हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट बैंकर लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कि रिसेंटली ऑन 20th ऑफ मई सरकार द्वारा अनाउंस की गई है अंडर दी 20 लाख करोड़ पैकेज। फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज MSME को दिया जाएगा, जिनको हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंक्लूडिंग जो अभी मुद्रा के जो बोरोवर्स हैं एग्जिस्टिंग उनके लिए हैं। तो जो ये गारंटी होगी इसमें, वो गारंटी कहलाएगी गवर्नमेंट गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन GECL। ये एक नए तरह की गारंटी है, इसमें 100% कवरेज मिलेगा। अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट होता है तो उस केस में 100% गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी, और उसमें 100% बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या NBFC को कवरेज मिलेगी। फ्रेंड्स, जो ये COVID-19 क्रंच आया है पूरे सेक्टर में, पूरी इंडस्ट्री में, उसको टैकल करने के लिए जो सरकार है उसने 3 लाख करोड़ तक के लोन के फॉर MSME घोषणा की है, जिसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी MSME सेक्टर है उसको हम कहेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसमें जो गारंटी कवरेज है वो 100% रहेगा, जो कि गारंटी प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NCGTC, फॉर एडिशनल फंडिंग ऑफ ₹3 लाख करोड़ ओनली। ये जो एलिजिबल MSME है या मुद्रा बोरोवर्स है उनको दी जाएगी। अंडर दिस स्कीम कॉर्पस ऑफ ₹41,600 करोड़ शैल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगा। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है वो 3 ईयर के लिए वैलिड होगी फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट, जो ये पर्टिकुलर गारंटी के लिए हैं। लेकिन अभी जो स्कीम है ये फिलहाल कोविड के लिए 31/10/2020 यानी कि 31 अक्टूबर 2020 तक वैलिड रहेगी, या फिर 3 लाख का अमाउंट सेंक्शन जो भी पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये स्कीम फिर बंद हो जाएगी। नाउ एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे। ऑल दी MSME बोरोवर जिनका अकाउंट आउटस्टैंडिंग या क्रेडिट फैसिलिटी 25 करोड़ है एज ऑन 29th ऑफ फरवरी, और जो जिनका डिफॉल्ट रेशियो यानी कि जिनका ओवरड्यू अमाउंट 60 डेज या इसके इक्वल है वही इसमें कवर होंगे। यानी कि इसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कैटेगरी, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कैटेगरी ही एलिजिबल होंगे, और इनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक ही होना चाहिए, उससे अधिक होगा तो ये अकाउंट गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में कवर नहीं होंगे। नाउ टाइप ऑफ लोन, किस तरह के लोन इसमें दिए जाएंगे। जो भी MSME बोरोवर्स हैं उनको या तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन मिलेगा अगर उन्होंने लोन लिया है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, अगर उन्होंने लोन लिया है NBFC से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो उनको मिलेगा टर्म लोन जो कि 20% ऑफ देयर एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा। अगर उन्होंने कोई भी क्रेडिट लिया है आज की डेट में, जो भी उसका आउटस्टैंडिंग है वो उसके 20% से ज़्यादा कैपिटल टर्म लोन या टर्म लोन नहीं ले सकते इस स्कीम के अंतर्गत। और जो ये इसका क्राइटेरिया है वो रहेगा फरवरी 2020। नाउ टेन्योर ऑफ लोन, कितने टाइम के लिए ये लोन दिया जाएगा। ये लोन 4 साल के लिए दिया जाएगा विद मॉरिटोरियम ऑफ 1 ईयर ऑन प्रिंसिपल, यानी कि जो 1 साल तक है आपको किसी भी प्रिंसिपल मूलधन का भुगतान नहीं करना है। इसका मतलब है केवल आपको ब्याज ही देना होगा, और साथ ही ज़्यादा जो टाइम रहेगा वो 4 ईयर्स रहेगा। नाउ गारंटी फी, गारंटी फी कितनी होगी। जो स्कीम है इसके अकॉर्डिंग कोई भी गारंटी फीस चार्ज नहीं की जाएगी बाई NCGTC फ्रॉम दी MLIs, जिनको हम मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कितना ब्याज पड़ेगा इस पर। तो जो ये पर्टिकुलर स्कीम है उसमें गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट का कैप रखा हुआ है कि उससे ज़्यादा बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। 9.25% रहेगा इन केस ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अगर लोन NBFC से लिया है तो वो रहेगा 14%। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी इसमें डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।